हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे सूट की कटिंग। देखिए फ्रेंड, ये कपड़ा है हमारा, इसे इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से खोलने के बाद इसे अलग करेंगे। इसमें कच्चा लगा हुआ होता है, उसे अलग कर लेंगे। ये स्टिकर है, इसे भी छुटाएंगे। और ये लेस लगी हुई है, इसकी वजह से सही से कटिंग नहीं हो रही, तो इसे भी हम छुटा कर रख लेंगे। इस तरह से इसे छुटा कर रख लेंगे। इसे इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। सेंटर बराबर करके मिलाएंगे, जो नीचे का दामन है वो बिल्कुल सही से बैठ जाए। अच्छे से बिछाने के बाद इस पर नाखून से इसकी किनारी बना लेंगे, ताकि कटिंग की जो व्यवस्था हो वो सही हो जाए। इसकी लंबाई 39 इंच है, तो हमें निशान लगाना है 39.5 इंच का, क्योंकि दामन इसमें पलटने के लिए छोड़ना नहीं है। ये इसका जो तीरा है वो कुर्ती वाला रहेगा, तो 7 इंच का रहेगा। इसके जो मुड्डे हैं वो 7 इंच है। यहाँ से पटरी सीधे लकीर खींचेंगे, हम इन दोनों लकीरों को मिला देंगे। 7 इंच है और यहाँ पर 6.5 इंच। इधर जो चेस्ट है वो सीना जो लगभग 16.5 इंच है। इसकी कमर की जो लंबाई है वो हमें 13 इंच रखनी है, और जो बीच में कमर है उसे हम 14 इंच रखेंगे। हिप पर 17 इंच है, इसका राउंड निकालेंगे। इस तरह से राउंड निकाल लेंगे। यहाँ से भी राउंड निकालेंगे। ये 2 इंच लगभग दबाव के लिए छोड़ना है, ताकि आगे चलकर ढीला टाइट काम में आ जाए। ये दामन है, ये 17 इंच रहेगा। फिर सीधे लकीर खींच लेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिख लेंगे 16.5 इंच, और बीच में 14 इंच है। हिप पर है 17 इंच, यहाँ पर गोल गला रहेगा 6 इंच का। कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे राउंड देते हुए। मुड्डे पर हमें राउंड देना है। इस तरह से राउंड देते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमारे आगे का पल्ला कट चुका है कुर्ती का। अब हम कुटके लगाएंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, यहाँ तक ये बीच का एक कुटका लगाएंगे, इसे रख लेंगे। अब हम बैक साइड को काटेंगे, ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये बैक साइड है, इसके ऊपर रखेंगे इस पल्ले को, सामने वाले को इस तरह से रख लेंगे। तो हम ऊपर से मिलाकर काटेंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर लगभग 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से चाक से निशान लगाएंगे। अब हम यहीं से कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल सेम कटिंग करेंगे। इसमें जो डिफरेंस है वो लगभग 1/2 इंच का है मुड्डे पर, क्योंकि ये बैक साइड है, इसलिए यहाँ पर हम कुटका लगाएंगे। इधर भी एक कुटका लगाएंगे, और यहाँ पर भी हमें एक कुटका लगाना है। बीचों बीच सेंटर पर भी एक लगाना है,
अब हम बीच में पीछे जो है गला वो 2.5 इंच का है, तो यहाँ पर 2.5 इंच लिख लेंगे। ये गोल गला रहेगा, ये हमारे दोनों पल्ले कट चुके हैं। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में, ताकि आस्तीन दोनों एक साथ में निकल जाए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें इसका राउंड निकालना है। आस्तीन की जो लंबाई है वो 16.5 इंच रहेगी। इसका राउंड इस तरह से निकालेंगे। ये हमारा राउंड निकल चुका है आस्तीन का। इसकी लंबाई जो है वो 16.5 इंच है। अब हम पलटने के लिए लगभग 1 इंच के लिए दबाव छोड़ेंगे। यहाँ पर 4 इंच है इसकी डोरी। ये मुड्ढे हमारे 7.5 इंच, तो 7 इंच लगभग इस स्केल के द्वारा हम सीधे लकीर खींच के इसका राउंड निकाल लेंगे। यहाँ से कट कर लेंगे। इस तरह से हमें लगभग 1.5 इंच का दबाव छोड़ते हुए कटिंग कर लेनी है। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अब इसकी खलाई निकालेंगे हम। लगभग 0.5 इंच का दबाव छोड़ते हुए इसको राउंड सेम रखेंगे। इस तरह से खलाई कर लेंगे। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।